वालेकुम, माय नेम इज इमदाद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपसे ब्रेकिंग न्यूज के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। और गाइस, ब्रेकिंग न्यूज को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोगों के सोशल कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। सो गाइस, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करें ताकि ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों की वजह से दिलचस्प और खूबसूरत बन सके। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए मुख्य टॉपिक टीजर मूवीज पर एक्शन लेकर आता हूँ। आज मैंने अपने दोस्तों के लिए एक जबरदस्त वीडियो सिलेक्ट किया, मेरे दोस्तों को अच्छी लगेगी। सो गाइस, आज मैं जिस वीडियो पर एक्शन जा रहा हूँ उसका टाइटल है इंडियन मोस्ट डेंजरस स्पेशल फोर्स, जो इंडिया की सबसे डेंजरस फोर्स है, स्पेशल है, उस पर आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के बटन को टच करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स जो आने वाली हैं वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। सो गाइस, डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वॉच इट। चुटकियों में घुटने टेक देगा दुश्मन, इन 10 कमांडो फोर्सेज से कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के 10 सबसे घातक, शानदार और इंटेलिजेंट कमांडो फोर्सेज के बारे में। इन बलों के आगे दुश्मन चुटकियों में घुटने टेक देते हैं। ये सभी बल भारत की आन बान और शान है। एनएसजी देश के सबसे अहम कमांडो फोर्सेज में से एक है, जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। एनएसजी में चुने जाने वाले जवान तीनों सेनाओं, पुलिस और पैरामिलिट्री के सबसे अच्छे जवान होते हैं। आतंकवादियों की ओर से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लड़ने के लिए इन्हें विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 26/11 मुंबई हमले के दौरान एनएसजी की भूमिका को सभी ने सराहा था। इसके साथ ही वीआईपी सुरक्षा, बम निरोधक और एंटी हाईजैकिंग के लिए इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आर्मी के लड़ाके शामिल किए जाते हैं, हालांकि दूसरे फोर्सेज से भी लोग शामिल किए जाते हैं। इनकी फुर्ती और तेजी की वजह से इन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है। मार्कोस का नाम आपने कम ही सुना होगा, इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडो जिन्हें आम नजरों से बचाकर रखा गया है। मार्कोस को जल, थल और हवा में लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। समुद्री मिशन को अंजाम देने के लिए इन्हें महारत है। 20 साल उम्र वाले प्रति 10,000 युवा सैनिकों में एक सिलेक्शन मार्कोस फोर्स के लिए होता है। इसके बाद इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। मार्कोस हाथ पैर बंधे होने पर भी तैरने में माहिर होते हैं। ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। नौसेना के सीनियर अफसरों की माने तो परिवार वालों को भी उनके कमांडो होने का पता नहीं होता है। एलीट पैरा कमांडो हवा में मार करने के लिए ट्रेन होते हैं। इन जवानों को 30 से 35,000 की फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने की महारत हासिल होती है। इंडियन आर्मी के एलीट पैरा कमांडोज ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया। इस यूनिट में स्पेशल ट्रेंड कमांडोज होते हैं। यह कमांडोज पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा हैं। इनमें स्पेशल फोर्सेज की 7 बटालियन शामिल हैं। इस कमांडो यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। इंडियन आर्मी के ट्रेंड कमांडो दुश्मनों को छलने के लिए विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रेसों का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच उन्हें छिपने में मदद करता है। कमांडो एक खास झिल्लीदार सूट भी पहनते हैं, जिन्हें किसी वातावरण में छिपने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशल फोर्स पर्पल बैरेट पहनते हैं और इनकी इजरायली टे और असाल्ट राइफल इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स से अलग बनाती है। एसपीजी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। हालांकि वे अपनी ट्रेडमार्क सफारी सूट में हमेशा दिखते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर एसपीजी कमांडोज को बंदूकों के साथ काली ड्रेस में भी देखा जाता है। एसपीजी के जवान बहुत ही ज्यादा चुस्त और समझदार होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में से बनाया गया। अब यह कमांडो फोर्स पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्वात कमांडोज, अमेरिका की तर्ज पर बनी है भारत की स्वात कमांडोज की टीम। किसी भी हालत में निपटने में माहिर है। दिल्ली पुलिस की स्वात कमांडो मतलब सुरक्षा की गारंटी दिलाते हैं। स्वात कमांडो की ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। ये कमांडो फोर्स किसी भी हालत में दुश्मन का खात्मा करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनमें हवा में पानी में और जल में घात लगाकर मार करने की तकनीक सिखाई जाती है। आधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो रात के अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान उनका खात्मा करने के लिए ट्रेंड होते हैं। आतंकियों को नक्सलियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। बता दें कि 2008 में मुंबई हमले के बाद दिल्ली पुलिस के स्वात कमांडोज का गठन किया गया है। इंडियन फोर्सेज में 2004 में अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए इस फोर्स की स्थापना की।
गरुड़ कमांडोज इंडियन एयरफोर्स में 2004 में अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए इस फोर्स की स्थापना की। मगर गरुड़ को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेन किया गया है। आर्मी फोर्सेज से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। गरुड़ जवान पानी, हवा और रात में मार करने की अनोखी क्षमता रखते हैं और उन्हें मुख्य तौर पर माओवादियों के खिलाफ मुहिम में शामिल किया जाता रहा है। कोबरा कमांडो, कोबरा यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कोबरा के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग द्वारा तैयार किया जाता है। कोबरा के जवानों को वेश बदलने से लेकर घात लगाकर हमला करने में कोई मात नहीं दे सकता। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा का जिम्मा कोबरा के पास है। कोबरा का गठन 2008 में किया गया था। फोर्स वन कमांडो, फोर्स वन कमांडो अपनी तेज प्रतिक्रिया के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद बनाया। इनका मुख्य काम मुंबई मेट्रोपॉलिटन की सुरक्षा करना है। यह स्पेशल फोर्स दुनिया की सबसे तेज और चपल स्पेशल फोर्स में से एक है, जिन्हें किसी भी आपदा से लड़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट की जरूरत होती है। आईटीबीपी कमांडोज, आईटीबीपी के स्पेशल कमांडोज ने मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के बाद मुख्य अभियुक्त अजमल कसाब को मुंबई जेल में रखने में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल की निगरानी की कमान भी इन्हीं के हाथों में है। इसके साथ ही ये भारत चीन सीमा की भी विशेष निगरानी करते हैं। CISF कमांडोज, CISF के कमांडोज को आमतौर पर PVIP एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल इलाकों के लिए खास तौर पर तैनात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसे दिल्ली और मुंबई इन्हीं की निगरानी में सुरक्षित रहते हैं। मुंबई में 26/11 हमले के बाद इनका इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर के सिक्योरिटी के लिए भी होने लगा है। इसका अपना स्पेशल फायर विंग भी है। साथ ही यह फोर्स दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी करती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप मुझे इस वीडियो के लिए कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पर रिएक्शन दूं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइस, जाने से पहले अगर वेट आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, नेवर मिस अ थिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।